नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी का मुकाबला करने मैदान में उतरे हैं। चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी सपा के साथ गठबंधन की कोशिश करने में लगे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। चंद्रशेखर ने यहां तक कह दिया कि अगर अखिलेश भैया मुझे छोटा भाई बोलकर अपने साथ बुला ले तो मैं पूरी क्षमता के साथ साथ देने के लिए तैयार हूं। हालांकि अंदर की बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों में बात नहीं बन पाई तो गठबंधन भी नहीं हुआ। वहीं चंद्रशेखर ने अखिलेश के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी है। चंद्रशेखर ने कहा, हिस्सेदारी मांगी थी, विधायक और मंत्री नहीं। इसके अलावा चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं, इसके लिए 5 सीटों पर भी समझौता करने को तैयार हूं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया कहेगी तो सबूत भी दिखा दूंगा। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है उनको हिस्सेदारी दी है। मैं विधायक बनने और मंत्री पद के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी पार्टी की हिस्सेदारी के लिए गया था। अगर पहले कह देते कि 1-2 सीट देंगे तो मैं अपना काम करता। चंद्रशेखर ने कहा कि 5 सीटों की मांग हमारी थी। अखिलेश यादव से क्या हुई बात? क्विंट हिंदी से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर ने बताया कि अखिलेश जी ने मुझसे पूछा कि चुनाव लड़ने का मन है। मैंने कहा, नहीं, अगर आपको लड़ाने का मन है तो आप वहां से लड़ा दीजिए जहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं। ये लड़ाई स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी का मुकाबला करने मैदान में उतरे हैं। चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी सपा के साथ गठबंधन की कोशिश करने में लगे, लेकिन बात नहीं बन पाई। चंद्रशेखर ने यहां तक कह दिया कि अगर अखिलेश भैया मुझे छोटा भाई बोलकर अपने साथ बुला ले तो मैं पूरी क्षमता के साथ साथ देने के लिए तैयार हूं। हालांकि अंदर की बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों में बात नहीं बन पाई तो गठबंधन भी नहीं हुआ। वहीं अब चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। अखिलेश यादव से हुई बात।